हरियाणा के रेवाड़ी में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, गांव की बनी में बने कोठड़े में ले जाकर दिया वारदात को अंजाम। गांव की ही एक एकेडमी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे तीन युवक, पिता व भाई को बताने पर दी जान से मारने की धमकी। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरियाणा में रेवाड़ी के गांव में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे तीन युवकों द्वारा एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। हरियाणा में रेवाड़ी के गांव में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे तीन युवकों द्वारा एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बावल पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म व SC ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों युवक एक एकेडमी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे। सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद तीनों युवकों ने युवती को भाई व पिता को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बता दें कि रेवाड़ी में बावल क्षेत्र के गांव में चल रही एक एकेडमी में जितेंद्र उर्फ खली, नीरज उर्फ पेप्सू व राधेश्याम उर्फ ताऊ सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि करीब 15 दिन पहले तीनों आरोपियों ने एक युवती को फोन कर गांव की बनी में बने कोठड़े में बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने भाई व पिता को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके चलते पीड़िता बुरी तरह घबरा गई और किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। पुलिस का कहना है कि सोमवार को ही पीड़िता ने अपने परिवार को पूरी वारदात बताई, इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने जैसे ही शिकायत मिली तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। अब सुनाते हैं कि पूरे मसले पर बावल थाना प्रभारी विद्यासागर ने क्या कहा। दुष्कर्म का मामला 15-20 दिन पहले की घटना पीड़िता ने बताई है और उसने उसके भाई और पिताजी के मारने के पैसे ये बात नहीं बताई। कल उन्होंने पर्चा दर्ज कराया था और उसके पर्चा दर्ज करते ही जो भी आरोपी थे तीन, उनको अरेस्ट करके कल शाम को ही और DSP साहब, उसमें SC ST एक्ट लगे हुए हैं, DSP साहब ने अरेस्ट करके आज न्यायालय में पेश करवा दी, जो जेल बंद कराए। सर, ये दुष्कर्म करने वाले लड़कों का क्या क्या नाम है? उनमें एक जितेंद्र है, एक नीरज है और एक राधेश्याम, तीन लड़के जो तीनों ही